रिफ्रेश करते हैं तो जो आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे ये था इनलाइन एलिमेंट, तो उसी लाइन पर उसकी विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं हो रही। यहाँ पे हमने लिया था ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर खत्म हो रहा है, फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है, फिर तीसरी बार स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। और विड्थ और हाइट अप्लाई होती है ही ब्लॉक एलिमेंट पर, लेकिन ये है गाइज यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, तो उसी लाइन में स्टार्ट हुआ नेक्स्ट एलिमेंट। साथ ही साथ ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी है, विड्थ और हाइट अप्लाई हो सकती है। और अगर आप इस पे आगे डिस्प्ले इनलाइन ही कर दोगे तो क्या होगा, वो भी इसके साथ ही सामने से स्टार्ट होगा, लेकिन विड्थ और हाइट नहीं अप्लाई होगी, जैसे कि आप जानते हो ही। ओके तो दोस्तों ये है होम, अब देखो ये है अबाउट, और ये देखो सर्विसेज, ठीक है, और देखो कॉन्टैक्ट भी आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ रहा सर्विसेज। अब आप कहोगे यार ये हर एक पे क्लिक करने में वहाँ क्यों पहुँच रहा है, क्योंकि हमने नीचे चेंज नहीं किए। ओके तो देखो यहाँ पर हम कर देते हैं अबाउट, अब नहीं खुलेगा नीचे वाली होम, और यहाँ हम कर देते हैं गाइज सर्विसेज, और यहाँ हम कर देते हैं गाइस कॉन्टैक्ट। तो अगर हम अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखना अब मैंने होम पे क्लिक किया, यहाँ पहुँचा गया इसने, हेलो आई एम होम कंटेंट, ओके। लेकिन अगर मैं हाँ अबाउट पे क्लिक करूँगा अब नहीं पहुँचाएगा, सर्विसेज पे करूँगा अब नहीं, कॉन्टैक्ट पे करूँगा अब नहीं। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस ये है हमारी सीएसएस सीरीज का पार्ट नंबर 18। तो उससे पहले के पार्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, सीएसएस की प्लेलिस्ट में 17 पार्ट हो चुके हैं। हम W3 स्कूल्स के एक एक प्रैक्टिकल को लेते हैं और साथ ही साथ लाइव विद थ्योरी सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करते हैं। तो वीडियो की लेंथ हमारी थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन हर एक चीज़ एक्सप्लेन होती है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं वीडियोज़। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस टाइप का हॉरिजॉन्टल मेन्यू बना सकते हैं, तो लाइव बनाएंगे। तो देखो जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे पहुँच गया ये इस कंटेंट पे, तो ये कैसे करते हैं ये भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ गाइज हम ये जानेंगे कि डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है विद लाइव प्रैक्टिकल। ओके तो ये हमारी सीएसएस सीरीज का गाइज पार्ट नंबर 18 है। तो इस वीडियो से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सीएसएस के डिस्प्ले वाली वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको बहुत क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमने पूरा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं, जैसे डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है। यहाँ आज की जो वीडियो है वो भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पर है, और साथ ही साथ जो हमने अभी आपको बताया कि हाइपर हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाएंगे, तो इसमें पूरा थियोरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी है। फिर उसके बाद डिस्प्ले हिडन और विजिबिलिटी, डिस्प्ले हिडन और विजिबिलिटी हिडन के ऊपर भी डिफरेंस में यहाँ पर प्रैक्टिकल बताया पूरा। तो ये भी पार्ट नंबर 12 और पार्ट नंबर 12 का सेकंड पार्ट, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और बाकी ओवरफ्लो है, पोजीशंस आप देख सकते हो जो आपको मन करे, या जेड इंडेक्स जिसमें भी आपको डाउट हो, तो जरूर नहीं सारे देखो, जिसमें आपको डाउट हो वो वाली वीडियो आप वॉच कर सकते हो, और आप गाइस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। सो गाइस इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद ना इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को भी क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा इस टाइप की प्रोग्रामिंग की, तो गाइस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कुछ नया नया सीखते रहेंगे। सो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं इनलाइन ब्लॉक की तरफ, कि इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है। तो सीएसएस लेआउट में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है, आपने एक इनलाइन पढ़ा होगा कि जैसे कि स्पैन होता है या एंकर होता है या इमेज होती है, वो एक ही लाइन में आता है ना, और जितनी उसकी विड्थ या हाइट देते हैं वो उतना ही घेरता है, पूरी लाइन नहीं घेरता। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और वो पूरी विड्थ घेरता है, भले वो कम एरिया में आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमने उस वाली वीडियो में बात की है जिसमें हमने डिस्प्ले की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छे डिटेल के लिए। तो जो जो पॉइंट हम यहाँ पे दिल लिखे हुए हैं उन्हें प्रूव करेंगे थियोरटिकल को विद प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल भी करेंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा, तो हर एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर रहने वाली है एक एक पॉइंट। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन से अगर हम कंपेयर करते हैं इनलाइन ब्लॉक को, तो मेन डिफरेंस ये है अगर हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं तो हम विथ या हाइट सेट कर सकते हैं इनलाइन एलिमेंट जो था बाय डिफॉल्ट उस पर। ये क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि गाइस मैं आ गया हूँ नोट प्लस प्लस में, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक स्पैन लेता हूँ, और स्पैन में हम लिख देते हैं ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग, ठीक है।
या फिर हमने स्पैन कर दिया क्लोज। अब देखो हेड के अंदर हम स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज करते हैं, तो हमने स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं गाइस, हम स्पैन ले लेते हैं, ठीक है, स्पैन को हमने सेलेक्ट कर लिया और स्पैन की हम स्टाइलिंग करते हैं। और स्टाइलिंग में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लास कर लेते हैं ए, और एक और स्पैन लिखते हैं और स्पैन क्लोज करते हैं। सपोज़ कीजिए मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए, समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज। तो कहीं जब हमने दो स्पैन ले लिए नॉर्मल, और एक की क्लास दे दी मैंने ए और एक की दे दी हमने बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ। तो हम करते हैं गाइस लोकल डिस्क ई में, हम अपने प्रोग्राम अभी तक सेव कर रहे हैं, तो मैं लोकल डिस्क ई में आता हूँ। और ई में है हमारा सी एस एस फोल्डर, तो उसके अंदर ही हम अपने प्रोग्राम अभी तक सेव कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के मैं कोई वीडियो लाऊँ तो आप कमेंट में बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक पर आपको डाउट है, मैं उन पर ज़्यादा वीडियो लाऊँगा। या कोई प्रोजेक्ट टाइप अगर आपका आइडिया है तो हम वो भी बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ क्लास 18.html, ठीक है। तो देखो क्लास ए दी हमने, क्लास बी दे दी। अब क्या है, यहाँ पे हम ले देते सपोज करो डॉट ए, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। और सपोज करो हमने दे दिया गाइज बैकग्राउंड कलर सपोज करो ब्लैक, और ब्लैक और कलर कर दो वाइट। तो भी हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखो नॉर्मल भी बाय डिफॉल्ट जो स्पैन होता है ना वो इनलाइन होता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन लिख दिया समझाने के लिए। तो अगर हम अब रन करते हैं क्रोम पे, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक आएगा, उस पर वाइट कलर आएगा। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक वीक ब्राउन फॉक्स आ रहा है, और देखो वेलकम टू आई टी फुल नॉलेज भी इसके आगे ही स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो भी स्पैन था। और देखो इस पर हमने सीसेस लगाई थी, तो इस पर ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है और कलर आ रहा है वाइट। तो आप और बाकी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डॉट बी को एक्सेस करता हूँ, है ना, बी वाले स्पैन को। अब देखो उसका डिस्प्ले है इन लाइन बाय डिफॉल्ट, तभी वो उस लाइन से स्टार्ट हो रहा था। अगर मैं कर दूंगा ये डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, अगर मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया बी वाले का, अब देखना वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। देखो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और पूरी विथ घेरता है पूरी लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर विथ स्पेसिफाई कर दोगे पर्टिकुलर ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, तो उतना ही एरिया घेरेगा, पूरे में नहीं आएगा। अब देखो हमारी बात हो रही है इनलाइन ब्लॉक पे। तो इनलाइन ब्लॉक के लिए क्या है, देखो अगर मैंने सेम यहाँ से ये सीसेस कॉपी कर ली, ठीक है, सीसेस कॉपी कर ली, देखो बिल्कुल वैसे ही बना देंगे। सो जब आप देख सकते हो जो कंप्लीट एग्जांपल है ना वो आपके सामने क्लियर हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है, तो वो एक ही लाइन मार रहा है, और जहाँ तक का उसका कंटेंट वो घेर रहा है वहाँ तक के ही बैकग्राउंड में ब्लैक और उसके ऊपर कलर वाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये है स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट, और नीचे देखो ये है गाइस ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो देखो बैकग्राउंड में आ रहा है ब्लैक और उसके ऊपर कलर आ रहा है वाइट, और ये पूरी विथ घेर रहा है, ठीक है, ये पूरी विथ घेर रहा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि स्पैन पे जो इनलाइन एलिमेंट है वो भी पूरी विथ घेरे, तो सपोज करो आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे और विथ लिख दिया पूरी ना, जितनी भी आप देना चाहो, मान लो मैंने 700 पिक्सल दे दी विथ, किस पे, डिस्प्ले इनलाइन वाले पे, ऊपर वाले पे। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर मैं हाइट दे दूँ 100 पिक्सल, अब देखना, देखो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन देखो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसमें मैं तीनों का डिफरेंस समझा रहा हूँ एक तरह से, देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर मैं इसकी विथ नॉर्मल तो पूरी लेगा, अगर आप कम कर दो तो वो उतनी ही लेगा। मान लो मैंने लिख दिया 400 पिक्सल, अब क्या होगा गाइस, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ये कम विथ लेगा। तो आप विथ स्पेसिफाई कर सकते हो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, तो विथ या हाइट वगैरह चेंज हो जाते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे, ठीक है। लेकिन इन लाइन पे फर्क नहीं पड़ता विथ और हाइट का, ये बताने का मेरा मतलब है। लेकिन लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया गाइस इन लाइन ब्लॉक, अब क्या होगा, इसमें दो प्रॉपर्टी आएंगी। एक तो इनलाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो उसी लाइन में रहेगा, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, तो वो वाली प्रॉपर्टी आएगी इसमें। साथ ही साथ ब्लॉक की भी, यानी इसमें विथ वगैरह या हाइट वगैरह लग सकती है। तो देखो अभी अगर मैंने सेव किया, अब देखना अभी तक ये यहाँ पे है, तो इस पर विथ लग जाएगी और हाइट भी देखना भी लग जाएगी, वो गाइस। तो आप देख सकते हो इस पर विथ भी लगी और हाइट भी लगी। सो गाइस ये क्यों लगी,
क्योंकि गाइस हमने अभी भी लगाई। तो आई होप आपको ये एनालिसिस क्लियर होगी। जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ लिख दिया विथ 400 और यहाँ हाइट लिख दी, सपोज करो 200 नीचे वाले में, ठीक है। और हमने यहाँ लाइन ब्रेक में खुद दे रहा हूँ यहाँ पे, अब ये नहीं कि वो उसकी वजह से आ रहा। देखो लाइन ब्रेक दे दिया मैंने। अब अगर हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक वो आ रहा है, ठीक है। और देखो उसके नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, वेलकम टू आईआईटी फुल नॉलेज। तो देख सकते हो ऊपर वाला जो है वो हमने इनलाइन ब्लॉक किया, इस वजह से विथ और हाइट लगी। नीचे वाला ब्लॉक है, इस वजह से इसमें विथ हाइट या बाकी प्रॉपर्टी लग दी। अगर मैं नीचे वाले कर दूँ अभी इनलाइन, तो देखो ये इनलाइन हुआ, उतने में ही उसमें विथ या हाइट नहीं लगी और ऊपर वाले में लग रही है। सो भाई इस बेस पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो इजीली। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के साथ क्या है, कि आप विथ वगैरह या हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो और वो डिस्प्ले उसी लाइन में होगा। इनलाइन यानी इसी लाइन में साथ साथ उसमें विथ और हाइट भी सेट कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले इनलाइन में आप नहीं कर सकते वो चीज़। तो उसी के लिए वो उसका एडवांटेज है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो और वीडियोस, तो या और कुछ अपडेट्स हमारे चैनल से रिलेटेड, या कोई क्वेरी, या आप चाहते हो सीखना प्रोग्रामिंग, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा व्हाट्सएप पे, जिसमें HTML, CSS और JS के क्वेश्चन पूछते हैं, और जो क्वेरीज आपकी होती हैं उस पर भी, इस पर हम वीडियोज़ बनाते हैं। ओके, तो गाइस हमने ये चीज़ देख ली, डिस्प्ले इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक का डिफरेंस। अब देखो सेकेंड पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट ये है कि कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन, अगर हम इनलाइन से कंपेयर करें, मेन डिफरेंस ये है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हमें अलाउ करता है विथ और हाइट सेट करना, जबकि डिस्प्ले इनलाइन में नहीं करता। जैसे कि अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ओके, सपोज कीजिए, दिखाता हूँ आपके सामने। जैसे तो यहाँ पे दो स्पेन ले रखे हैं मैंने, और एक ही क्लास है ए, एक की है बी, और हमने अभी कोई स्टाइलिंग नहीं की है। तो आपको पता है ये होंगे इनलाइन एलिमेंट, तो ये कि कौन सी लाइन्स आएंगे। देख सकते हो यहाँ पे एक वीक ब्राउन फॉक्स आ रहा है, यहाँ पे वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज आ रहा है। ओके गाइस, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा रखा है, अगर लाइन ब्रेक मैं हटा देता हूँ तो देख सकते हो कि अब ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं डिफरेंस समझाने के लिए, मैं एक और स्पेन ले लेता हूँ, जिसकी क्लास दे देता हूँ सी। तो इसकी सी दे दी, तो इसमें मैं लिख देता हूँ शेयर वीडियो विद फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक इट। तो हमने ये लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो अब क्या है, क्लास सी को भी मैसेज कर सकते हैं डॉट सी लगा के। अब गाइस मैं इनलाइन भी ब्लॉक भी और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक सबका डिफरेंस भी सब समझा दूंगा इसी में ही, ठीक है। देखो सबसे पहले है स्पेन, तो हमने उसे डिस्प्ले कर दिया इनलाइन, बाय डिफॉल्ट भी इनलाइन ही होता है। और विड्थ दे दी हमने सपोज करो 200 पिक्सल, और हाइट दे दी 200 पिक्सल। तो अगर हम इतने पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो कि ये अभी स्पेन नेक्स्ट वाले में लाइन मार रहा है, लेकिन देखो अभी विथ और हाइट नहीं दिखी। क्यों? ना तो अपने बैकग्राउंड कलर लगाया, ना ही अपने कोई बॉर्डर लगाया। तो अगर हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया, सपोज करो गाइस हमने लगा दिया सपोज करो येल्लो, ठीक है। तो अगर हमने येल्लो बैकग्राउंड कलर लगाया, और अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो एक क्विक ब्राउन फॉक्स के पीछे देखो बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। तो यानी ये इतनी ही जगह घेरेगा, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। अगर आपको इसकी नहीं पता, तो आप हमारी सीरीज फॉलो कर सकते हैं, सीरीज की डिस्प्ले वीडियो देख सकते हो। ओके, तो देखो इतने के पीछे आ गया, लेकिन देखो विथ और हाइट दी थी हमने 200 पिक्सल, तो वो यहाँ पे नहीं लगी, ठीक है। अगर हम पैडिंग लगाते हैं, इसमें पैडिंग लगा दी, मान लो हमने 15 पिक्सल हर डायरेक्शन से, तो अगर हम अब आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो इस पर पैडिंग लग चुकी है, ठीक है। तो बाकी प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो। अब देखो वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज लिखा है नीचे, ठीक है। तो देखो कहने का मीनिंग ये है कि डिस्प्ले इनलाइन जो है उसमें विथ और हाइट का फर्क नहीं पड़ता, तो वही वजह है, ये तो भी पैडिंग आई थी इस वजह से बड़ा है, ठीक है। अब देखो सेकंड को हम बनाएंगे डिस्प्ले ब्लॉक, तो मैं जल्दी से हो जाए इसलिए डिस्प्ले इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने कर दिया गाइस डिस्प्ले ब्लॉक। तो अगर हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, विथ 200 कर देते हैं, हाइट भी 200, और सेम रहने देते हैं बैकग्राउंड कलर वगैरह, और पैडिंग 15 पिक्सल, फिर देखते हैं क्या होता है। सो गाइस जब आप देख सकते हो कि ये जो नीचे आ रहा है, देखो ये अब वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज, देखो इसमें विथ और हाइट वगैरह लग चुकी है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने विथ दे दी 200 पिक्सल और हाइट दे दी 200 पिक्सल,
और हमने बैकग्राउंड कलर दिया था गाइज येलो, और पैडिंग दी थी कुछ, तो यही वजह है, देख सकते हो यहाँ पे ये सब चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। ओके, तो अब हम एक चीज़ भी कर सकते हैं कि हम इनके बीच में कुछ स्पेस दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और H2 हेलो फ्रेंड्स, तो अगर हम आप रिफ्रेश करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बीच में कंटेंट आ रहा है, तो थोड़ा पता चलेगा ना हो कर रहा है। देखो यहाँ पे डिस्प्ले इन लाइन था, यहाँ पे ब्लॉक है, तो उस पर विड्थ और हाइट अप्लाई हो चुकी है, जबकि इन लाइन पे नहीं हो रही थी। अब देखो थर्ड वाला आता है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ गाइज लाइन ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ H3, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो यहाँ पे हमने H3 कर दिया क्लोज, ठीक है। अब देखो स्पेन क्लास दे दी हमने यहाँ पे सी, अब हमें सी को एक्सेस करना है, ठीक है। तो देखो सी को हम एक्सेस कर लिया, हमने सी को यहाँ कर लिया। अब सेम है विथ हाइट, जो भी प्रॉपर्टी लगानी सब लगा लो। अब डिस्प्ले यहाँ पे हम क्या देंगे गाइस, इन लाइन ब्लॉक डिस्प्ले हम देंगे गाइस यहाँ पे इन लाइन ब्लॉक। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। मैं अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर सपोज करो मैंने यहाँ अभी इतना ही करता हूँ और रन करता हूँ, आपको एग्जाम्पल लाइव दिखाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो आएगा। अब देखो अभी यहाँ पे विथ और हाइट डिफाइन है, देखो यहाँ पे भी है कुछ इन लाइन पे विथ और हाइट का फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ हम आपको बता ही चुके हैं। साथ ही साथ पैडिंग टॉप और बॉटम का भी वो भी दिखाएंगे, पैडिंग या मार्जिन भी। देखो यहाँ पे अगर मैं हाइट कर दूँगा इस 500 पिक्सल इन लाइन वाले की, ठीक है, विथ भी और हाइट भी, डिस्प्ले इन लाइन पे विथ हाइट अप्लाई नहीं होती, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। और इसका रियल सिनेरियो क्या होता है वो भी अभी आप समझोगे। तो अगर मैंने यहाँ कर दिया कोड कॉपी पेस्ट, अब देखो ये डिस्प्ले इन लाइन भी रहेगा, यानी उसी लाइन में रहेगा, इन लाइन की तरह प्रॉपर्टी आ जाएगी कि न्यू लाइन से नहीं स्टार्ट होगा, जैसे डिव होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। साथ ही साथ ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो अब आप इस पर विथ और हाइट वगैरह। ओके, देखो विथ और हाइट हमें दिए 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो ये इन लाइन भी है और ब्लॉक भी है, तो ब्लॉक पर हम विथ और हाइट डिफाइन करते हैं। सो गाइस अब आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले ये इन लाइन ब्लॉक आपके सामने आ गया है, तो वही एक रीज़न है कि इसमें विड्थ और हाइट भी अप्लाई हो रही है। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और स्पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैंने सेम को कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यहाँ पे मैंने दे दिया डी, ठीक है, और डॉट सी कॉमा डॉट डी, ठीक है। तो अगर हम अब आते हैं ब्राउज़र पे और अब रिफ्रेश करते हैं, सो गाइस आप देख सकते हो क्योंकि ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक था, तो देखो इनलाइन आ रहा है, नेक्स्ट वाला भी उसके सामने से स्टार्ट हुआ है ना, इनलाइन एलिमेंट है। साथ ही साथ विड्थ और हाइट भी अप्लाई हो रही है। अभी देखो मैं ब्लॉक वाले पे भी ऐसे ही करता हूँ, जहाँ पे ब्लॉक होगा ये रहा ब्लॉक वाला बी वाला, है ना, बी वाला ये रहा। तो लाइन ब्रेक से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, तो इसे ही कॉपी कर लूँगा और ई और एफ करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ कर दिया ई, और आपको आपने पहले पढ़ा ही है कि ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है, तो अगर आप सेम चीज़ से लगा रहे हो बहुत सारों पे, तो अलग अलग आप एक बार क्या करोगे, फिर डॉट ई लिखोगे, फिर डॉट एफ लिखोगे, उसके अंदर सेम प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट करोगे। इससे बढ़िया है डॉट कॉमा लगा के लिख दो अगर सेम प्रॉपर्टी लगा रहे हो। देखो बी भी, ई भी और एफ भी अप्लाई हो जाएगी। तो अगर अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो जो आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे ये था इनलाइन एलिमेंट, तो उसी लाइन पर आ रहा है, उसमें विथ और हाइट अप्लाई नहीं हो रही। यहाँ पे हमने लिया था ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर खत्म हो रहा है, फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है, फिर तीसरी बार स्टार्ट हो रहा है, नहीं नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, और विथ और हाइट अप्लाई होती है ही ब्लॉक एलिमेंट पर, लेकिन ये है गाइज यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, तो उसी लाइन में स्टार्ट हुआ नेक्स्ट एलिमेंट। साथ ही साथ ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी है, विथ और हाइट अप्लाई हो सकती है। और अगर आप इस पे आगे डिस्प्ले इन लाइन रिकॉर्ड दोगे तो क्या होगा, वो भी इसके साथ ही सामने से स्टार्ट होगा, लेकिन विथ और हाइट नहीं अप्लाई होगी, जैसा कि आप जानते हो ही। ओके, तो हमने ये एग्जांपल तो देख लिया, इसमें अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट कंपेयर टू डिस्प्ले ब्लॉक, मेन डिफरेंस क्या है, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक डज नॉट एड ए लाइन ब्रेक आफ्टर द एलिमेंट, जबकि ब्लॉक में करता है। जैसे कि गाइस हमने अपने एग्जाम्पल में आपको दिखाया ही,
कि यहाँ पे देखो ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है आगे के, लेकिन हमने इन लाइन ब्लॉक जब लगाया तो विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो, साथ ही साथ उसके सामने से ही आगे से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो हम आई होप आपको वाला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा, तो ये वाली चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कोड आपको मिल जाएगा गाइस। यहाँ पर आते हैं, अब हम पढ़ते हैं गाइस आगे की तरफ। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है प्रॉपर्टी, कि डिस्प्ले ब्लॉक अगर हम यूज़ करते हैं ना, टॉप और मार्जिन पैडिंग उस पर लगती हैं, लेकिन डिस्प्ले अगर इनलाइन यूज़ करोगे तो टॉप और बॉटम वाली जो है पैडिंग या मार्जिन उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी CSS के लिंक्स के ऊपर पार्ट 9, जिसमें हमने लिंक को एज ए लिंक बटन शो किया है। तो ये वीडियो पे आप देख सकते हो, इसमें हमने लिंक को किस तरह से बैकग्राउंड कलर या जब क्लिक करें तब तो कलर चेंज हो, बैकग्राउंड बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के बारे में बात की है। तो CSS के पार्ट नंबर 9 में आपको 1550 पे देख सकते हो, 15 मिनट 50 सेकंड पे, यहाँ पे देखो ये एक बटन की तरह शो कर रखा है लिंक को, और यहाँ पे देखो डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक दे रखा है। ठीक है, और देखो पैडिंग के देखिए 14 पिक्सल और 25 पिक्सल, अगर आपने पैडिंग का हमारा सेक्शन नहीं देखा वो देख सकते हो, टॉप से और बॉटम से और लेफ्ट राइट से और लेफ्ट से कितनी हो, टॉप से और बॉटम से 14 और लेफ्ट और राइट से 25 पिक्सल। अब देखो अभी है इनलाइन ब्लॉक, तो ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ऊपर से लगी है ना पैडिंग वगैरह बाकी चीज़ें, लेकिन अगर हम इसे इनलाइन करेंगे तो क्या होगा गाइस, ये टॉप और बॉटम के पैडिंग या मार्जिन वगैरह को नहीं लेगा, तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा। अभी देखना, अभी अगर मैं इसी वीडियो को गाइस प्ले करूँ, अभी आप देखना सामने सामने आपको समझ में आएगा। तो अब देख सकते हो ये देखो इनलाइन ब्लॉक है। ठीक है, तो अभी देखना, अब देखो हमने इनलाइन किया, इनलाइन किया तो देख सकते हो ऊपर से स्टार्ट हो गया गाइस। ओके गाइस, तो हमने यही चीज़ दिखाई थी कि अगर इनलाइन ब्लॉक यूज़ करोगे तो उस पर टॉप और बॉटम से वो पैडिंग वगैरह वो बाकी बाकी चीज़ लेता है, ये स्पेस जो लेता है, और देखो अगर आप यूज़ करोगे उसकी जगह ही इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन, तो गाइस वो ऊपर से मिलके स्टार्ट होगा। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी प्रॉपर्टीज में, लिखा था कि यही चीज़ फ़र्क पड़ेगा कंपेयर टू ये अली डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, टॉप और बॉटम मार्जिन या पैडिंग रेस्पेक्टेड हैं बट विद डिस्प्ले इन लाइन नहीं फर्क पड़ता, दे आर नॉट, डिस्प्ले लाइन लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बना के दिखा दिया। अब हम सेकंड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, जो कि है कि हम इन लाइन ब्लॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन मेन्यू बना लिंक बनाने के लिए। ओके, तो मेन कॉमन जो यूज़ है गाइस डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक का, कि हम जो लिस्ट आइटम्स हैं ना उन्हें हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वर्टिकली। जैसे कि अगर आप लिस्ट आइटम लिखते हो शुरू से, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो देखो यहाँ आता है लिस्ट आइटम, या HTML भी पढ़ी आपने, तो अगर आप लिस्ट आइटम लोगे तो नेक्स्ट पहला यहाँ आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट लाइन से आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन से, तो ये कह सकते हैं वर्टिकली। अब हमें क्या है हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाना है एक्स एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे होम अबाउट अस, तो उस टाइम भी हम गाइस क्या करते हैं कि इसका डिस्प्ले को कर देते हैं इन लाइन ब्लॉक, तो हम विथ और हाइट भी लगा सकते हैं। तो आपको पता है मेन्यू होता है उसकी कुछ विथ होती है हाइट होती है ऊपर से नीचे तक, तो इधर को भी आ सकता है, साथ ही साथ को एक ही लाइन में डिस्प्ले हो सकता है ना, इनलाइन भी है। तो इस ऐसी टाइम पर गाइस हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो अभी हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या किया है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो नॉर्मल जो टेक्स्ट वैक्स लिखा है वो मैं नहीं समझाऊंगा, मैं जस्ट आपको अभी लाइव बना के भी दिखाऊंगा। ओके, जैसे तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है, उसकी क्लास दे रखी है नेव, और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्लोज है बॉडी के अंदर, यहाँ पर एलाइलियन लिस्ट आइटम्स जो कि मेन्यू के लिंक हैं, यहाँ पे होम अबाउटस या अवर क्लाइंट कॉन्टेक्टस जहाँ पे भी जाना हो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बिल्कुल खुद बना के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, बहुत अच्छे अच्छे नए बार वगैरह। ओके, तो आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं, और इसका लाइव प्रैक्टिकली भी मैं करूँगा पहले एकदम से, अगर मैं आपके माइंड में सारी चीज़ डाल दूंगा गाइस नहीं कैच कर पाओगे शुरू शुरू में, मैं बिल्कुल बिगिनर को सोच के बना रहा हूँ सीरीज, तो बिल्कुल बिगिनर हो जाओ बिल्कुल। देखो लिस्ट आइटम्स हैं, उसके अंदर एंकल लिस्ट आइटम्स क्लोज हैं, उसके अंदर एंकल दे रखा है, HREF हैज़ होम किस लिए, ये किस लिए यूज़ किया, देखो एक क्या, अगर आपने कोई डिव लिया कुछ भी कंटेंट लिया या फिर उसकी आईडी दे दी आपने, ये जो हैज़ के अलावा लिखी है होम वगैरह, तो अगर आप ये लिखोगे ना हैज़ होम, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे होम वाले पे इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये यहाँ पहुँचा देगा नीचे, हमने लिखा होगा अभी अभी इस एग्जाम्पल से हट चुका है स्टार्ट, अब पहले हमने दिखाया था, तो अभी अगर मैं लिख दूंगा तो आ जाएगा वो अभी अपने कंटेंट में डाल के दिखाऊंगा आपको, तो वो होम पे जो हमने कंटेंट लिखा होगा वहाँ पे पहुँचा देगा डायरेक्ट। तो उसके लिए ये चीज़ है, सेम पेज पे अगर हमें हाइपर रेफरेंस देना हो, नेक्स्ट पेज पर ना देना हो,
कहीं से कहीं पर पहुँचाना हो यूज़र को, तो वो चीज़ कर सकते हैं। नॉर्मल क्या किया, उन्होंने अनऑर्डर लिस्ट लिया, उसकी क्लास दे दी नैव नाम से, और बाकी लिस्ट आइटम्स लिए हैं, जितने आपको लेने उतने ले सकते हो। लिस्ट आइटम ओपन क्लोज और उसके अंदर एंकर टैग ओपन क्लोज, और नॉर्मल HREF में ID जो होती है किसी भी कर जहाँ पे हमें भेजना है, तो उसकी हैज लगा के उसका नाम दे दिया, तो उस पर पहुँचाएंगे हम। अब क्या किया गया उसके बाद, नॉर्मल क्या किया है, स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज, इंटरनल स्टाइल शीट, और हमने यहाँ पे यूज़ किया है नैव क्लास, ठीक है। तो नैव क्लास को स्टाइल किया है, तो बैकग्राउंड कलर दिया है गाइस यहाँ पे येल्लो, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप दिया है नन, तो कुल मिला के क्या बैकग्राउंड कलर दे रखा है येल्लो, यहाँ पे येलो कलर आ रहा है जो आ रहा है। और टेक्स्ट लाइन है सेंटर, तो सेंटर पे हो रहा है, और मार्जिन 0, पैडिंग 0, और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप कर रखी है नन, ठीक है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है इनलाइन ब्लॉक हमने नैव के लिस्ट आइटम्स को, और फॉन्ट साइज दे रखा है 20 पिक्सल, और पैडिंग दे रखी है बीच में 20 पिक्सल। तो भाई इस एग्जाम्पल को अब मैं लाइव बना देता हूँ आपके सामने, ओके। तो अगर हम आ गए हैं अपने प्रोग्राम में, तो जल्दी से बना लेते हैं हम अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ से मैं हटा लेता हूँ कोड को, पहले इसे कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी, और इसे ले जाता हूँ किसी एक जगह ताकि आपको मिल जाए सारा कोड आफ्टर क्लास। तो गाइज इसे मैं अब कर लूँगा अपने कोड में आके पेस्ट। तो अभी हम लाइव एग्जांपल बनाते हैं गाइज, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले कोड को मैं पूरा हटा दूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ओके। तो अगर हमने इसे हटाया, और नीचे से भी गाइज हम हटा लेंगे, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल मेनू, राइट। सिंपल है, अब हमारा बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सबसे पहले गाइज हम लेंगे अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया, उसके ओपन क्लोज कर दिया, और उसकी क्लास दे दी, सपोज करो हमने नेव बार, कोई भी नाम दे सकते हो, तो मैंने नेव बार दे दी। तो स्टाइल के अंदर हम डॉट करके एक्सेस कर लेंगे, तो बाकी जब आगे सीसेस लगाने होंगे तो अभी लगाता हूँ। तो फिर हम लेंगे गाइस लिस्ट आइटम, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम ओपन क्लोज। अब हम अनऑर्डर लिस्ट क्यों ले रहे हैं, समझो इस चीज़ को। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, 1, 2, 3, ये सब। इसमें क्या है, हम अनऑर्डर लिस्ट में होगा बुलेट वगैरह, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे, तो आगे जो बुलेट वुलेट आते हैं वो नहीं आएंगे, तो वो ऐसे मेन्यू हमें दिखने लगेगा, ओके। तो अगर हम li लिखा, और उसके अंदर अगर हम लिखते हैं HREF इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं हैज़ होम, ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे एंकर फिर हम क्लोज करेंगे, और इसके बीच में जो हमें टेक्स्ट दिखाना है, क्या हमें दिखाना है होम। और अभी मैं क्या करूँगा, इस सेम चीज़ को मार दूंगा कॉपी। तो अगर मैंने यहाँ कर लिया कॉपी, और इसके बाद कर दिया पेस्ट, इसके बाद कर दिया पेस्ट, और फिर कर दिया पेस्ट, और जल्दी से हम कर लेंगे टेक्स्ट को चेंज। यहाँ कर लेंगे अबाउट, यहाँ कर लेंगे हम सर्विसेस, और यहाँ कर लेंगे गाइस हम कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया। अब देखो नया बार हमने एक्सेस कर लिया, अब नया बार के अंदर हम क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर हम लिख लेंगे बैकग्राउंड कलर लगा लेंगे एक। तो अगर हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया, सपोज करो येल्लो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येल्लो लगा लिया हमने। और अगर अभी हम कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं गाइस रन करके कि हमारा क्या आउटपुट आता है, और फिर हम समझेंगे। तो देखो तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया है येलो, और इस पे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं गाइज अनऑर्डर लिस्ट के आगे लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके। अब आप चाहें तो आप यहाँ से लिस्ट स्टाइल टाइप कर सकते हैं नन, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हट चुकी है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने एक्सेस किया डॉट नेव बार करके उसके LI को, लिस्ट आइटम्स को, तो यहाँ पर हम सीसेस लगा सकते हैं, जैसे कि देखते हो यहाँ पे नॉर्मली इन्होंने जो लगाई थी वो सेम, या थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, मतलब जो भी आपका मन करे, ओके। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारे सामने। तो देखो ऐसे आ रहा है, और अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी हम डॉट नेव बार करके LI को हमने एक्सेस कर लिया, नेव बार के अंदर लिस्ट आइटम है ये आपको पता है, ठीक है। तो अब नेव बार के LI में क्या मैं क्या लिखता हूँ, इस नेव बार के LI में हम लिखते हैं सपोज करो डिस्प्ले। अब देखो डिस्प्ले अभी ऐसे ब्लॉक की तरह हो रही कि एक के बाद एक आ रहे हैं, हमें एक ही लाइन में दिखाना है, ठीक है। इन लाइन लिख देते हैं हम डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। अब ब्लॉक का क्या है, विद हाइट वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। तो देखो अगर मैंने अब रिफ्रेश किया, तो अब आप देख सकते हो भाई इसकी एक ही लाइन में आ गए, ठीक है, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विथ अगर हम देते हैं सपोज करो 50 पिक्सल, या सपोज करो विथ हमें दे दी 70 पिक्सल, ठीक है, और हाइट हमें दे दी गाइज 100 पिक्सल। तो अगर हम अब आते हैं और करते हैं रिफ्रेश, तो अब देख सकते हो हमने हाइट दे दी 100 पिक्सल, विथ दे दी 70 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे क्या है,
कि हमने हाइट दे दी 100 पिक्सल, तो अगर हम करते हैं लाइन हाइट दे देते हैं हम 100 पिक्सल, ठीक है। तो अगर हम ऊपर यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे होम आ गया, यहाँ पे अबाउट आ गया, यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट। तो देखो अभी आप और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे कि इसके होवर लाने पे कोई कलर देना हो, ठीक है, और बाकी प्रॉपर्टीज़। अब देखो एक और बात की थी मैंने, आगे चल के आगे वाली वीडियो में सब आएगा। तो देखो अभी देखो मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि गाइज हमने आपसे वादा किया था कि होम पे क्लिक करके हम पहुँचाएंगे किसी जगह पे, है ना। तो मैं यहाँ पे एक ट्यूब लेता हूँ और स्टाइल दे देता हूँ मैं, और मार्जिन दे देता हूँ मैं टॉप से गाइज 250 पिक्सल। अब मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि गाइज जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ ना होम पे, तो वो नीचे को हो, पहले ऊपर दिखेगा आपको पता नहीं चलेगा वो क्लिक हुआ है नहीं हुआ है, तब कैसे आया। तो यहाँ पे मैं ले देता हूँ हेलो आई एम होम कंटेंट, ठीक है। तो हमने ये इतना लिख दिया और फिर हम कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम एक आईडी दे देते हैं डिव की। तो डिव की आईडी दे दी मैंने होम, ठीक है। तो पहले मैं होम नहीं देता, पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कंटेंट आ कहाँ रहा है। तो अगर मैं अब आता हूँ ब्राउज़र पे आते हैं और अगर हम करते हैं गाइस रिफ्रेश, तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है हेलो आई एम होम कंटेंट। तो हम क्या करते हैं इसे ले लेते हैं H1 में, ठीक है, और इसे ले लेते हैं H1 में, और यहाँ पे हम अलाइन कर देते हैं सेंटर या फिर सिंपल इनलाइन स्टाइल लगा देते हैं, जब यहाँ पे CSS इस क्लास में कर ही रहे हैं तो सही से लगाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ऐसे भी चल जाएगा। देखो इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब 250 अगर कम लग रहा है यहाँ पे आप कर लो 550 पिक्सल, ठीक है, ताकि वो नीचे को और बाद में आए। तो देखो अगर मैंने अब रिफ्रेश किया, देख सकते हो नीचे कंटेंट चला गया, देखो स्क्रॉल बार ऐड हो गया। अब देखो नीचे लिखा है हेलो आई एम होम कंटेंट, ठीक है। लेकिन देखो जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया, देखो यहाँ हैज होम लिखा रहा है लेकिन उस पर नहीं पहुँचा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे हैज होम करके रेफरेंस तो रखा लेकिन आपने यहाँ पे आईडी नहीं दी, आइडेंटिटी। तो अगर मैंने यहाँ आईडी लिख दी गई सेम होम, ठीक है। अब देखना, अब अगर मैं आता हूँ ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ और अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो होम पे पहुँच गए हम। ओके गाइस, तो इस तरह से आप वेबसाइट में HTML की ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेम पेज में लिंक देना हो किसी अलग अलग कंटेंट में, सेक्शन में, एक से दूसरे में भेजना हो, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पर और भी चीज़ कर सकते हो, कि जैसे आप क्या कर सकते हो गाइस, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो हम एक चीज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है डॉट नेवबार, इसके li, इसके भी एंकर के होवर पे क्या हो, कलर हो जाए ब्लैक, कलर हो जाए वाइट और बैकग्राउंड हो जाए ब्लैक, ठीक है। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ये तो बहुत सिंपल सी है। तो देखो हो गया, ब्लैक हो रहा है और बैकग्राउंड वाइट हो रहा है। बाकी आप साइज बढ़ा सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ लिख दूँ डॉट नेव बार की लिस्ट आइटम का, देखो अगर आपने यहाँ पे बढ़ा लिया, फॉन्ट साइज़ बढ़ा लो आप यहाँ पे, कर लो 24 पिक्सल, ठीक है। तो आपने यहाँ फॉन्ट साइज़ बढ़ा लो, फॉन्ट फैमिली दे सकते हो आप, गूगल के फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ भी जो आपका मन करे तो कहीं वो आप कर सकते हो। जैसे देखो अगर मैंने अब रिफ्रेश करूँगा तो दोस्तों ये देखो होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस बीच पर आप कर सकते हो, तो वो हमने साइज़ बढ़ा दिया और उसकी विथ या पैडिंग नहीं है बीच में, तो हम पैडिंग भी दे देते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ दे दी, सपोज़ करो हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे दे दी पैडिंग भी, पैडिंग हमने दे दी गाइज ऊपर से 10 पिक्सल और इधर उधर उधर से 20 पिक्सल, ठीक है। तो इसे मैं कर लूँगा कॉपी, तो आपको पता ही है अंदर की स्पेस के लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। तो गाइज अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अगर हम अब अगेन आते हैं और अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं तो दोस्तों ये है होम, अब देखो ये है अबाउट और ये देखो सर्विसेज, ठीक है, और देखो कॉन्टैक्ट भी आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ रहा सर्विसेज। अब आपको हो गया ये हर एक पे क्लिक करने में वहाँ क्यों पहुँच रहा है, क्योंकि हमने नीचे चेंज नहीं किए। ओके, तो देखो यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट, अब नहीं खुलेगा नीचे वाली होम। और यहाँ हम कर देते हैं गाइज सर्विसेज और यहाँ हम कर देते हैं गाइज कॉन्टैक्ट। तो अगर हम अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखना अब मैंने होम पे क्लिक किया, यहाँ पहुँचा गया इसने हेलो आई एम होम कंटेंट। ओके, लेकिन अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा अब नहीं पहुँचाएगा, सर्विसेज पे करूँगा अब नहीं, कॉन्टैक्ट पे करूँगा अब नहीं। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक कर दो, साथ ही साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।